हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो कस्टर्ड तो आपने बहुत खाए होंगे, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो कस्टर्ड और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने पैन, तो पैन के अंदर हम डाल देंगे दूध। तो ये मैंने आधा किलो दूध लिया है और इसको हम अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे। ये पहले से बॉयल है पर फिर भी हम इसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे। तो दूध हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है, तब इसके अंदर डाल देंगे शुगर। तो ये मैंने 4 चम्मच ली है और ये छोटी कटोरी है। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हमारी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिल चुकी है। तो अब लिया ये मैंने कस्टर्ड। तो कस्टर्ड 3-4 तरीके के आते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, वनीला भी आता है, पर मैंने इलायची और केसर फ्लेवर लिया है क्योंकि मैंगो के अंदर ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने 2 चम्मच लिया है। तो अब इसके अंदर ये मैं मिल्क डाल दूंगी। तो मिल्क हमें गर्म नहीं लेना है, यानी दूध हमें गर्म नहीं लेना है, ठंडा लेना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स ना रहे। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो कस्टर्ड पाउडर हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब इसको एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। तो इसको मैं 2-3 बार में इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो कस्टर्ड मैंने मिल्क के अंदर यानी दूध के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको चलाते हुए हमें पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो कस्टर्ड हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, तो इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कस्टर्ड हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तब इसके अंदर हम डालेंगे आम की प्योरी। तो ये मैंने 2 आम लिए और उसकी प्योरी बना ली थी, यानी इसको पीस लिया था अच्छी तरीके से। इसके अंदर मिल्क नहीं ऐड करना है, आपको ऐसे ही पीसना है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। तो ये मैंने पहले से ही पीस के तैयार कर लिया। तो अब इसको हम मिला लेंगे कि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर कस्टर्ड के अंदर आम हमारा मिल जाए। तो आप आराम से इसको मिला लें। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो अब इसको मैं ट्रांसफर कर लूंगी और इसको फ्रिज में मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, आधे घंटा हो गया, आधे घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है क्योंकि कस्टर्ड ठंडा ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब इसके अंदर मैं ये बनाना ऐड करूंगी, यानी केले डालने हैं इसके अंदर छोटे छोटे पीस। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर मैंगो डाल दूंगी। जब आप सर्व करें तो आप इस तरीके से करें, ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी और यमी लगेगा। और मैंगो कस्टर्ड है तो मैंगो तो भर भर के होने चाहिए। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि किस किस को मैंगो कस्टर्ड अच्छा लगता है और मैंगो किस किस को अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम अनार। तो ये अनार भी मैंने छील के रखे हुए थे। फिर उसके बाद डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जरूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने काजू लिए, काजू के भी छोटे छोटे से पीस कर दिए। फिर उसके बाद डालेंगे हम बादाम और फिर उसके बाद डाल देंगे थोड़े से हम पिस्ते। तो देखिए, देखने में ये इतना प्यारा लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। अगर आपको मेरे मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।